हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक सोलर पैनल से जो है घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं। ये वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक सोलर पैनल के लिए जो है हमें क्या क्या सेटअप की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहला जो है आपके पास 445 वॉट का एक सोलर पैनल होना चाहिए। सोलर पैनल जो है मार्केट में डिफरेंट टाइप्स का मिलता है, जैसा कि हाफ कट सोलर पैनल हो गया, एसी सोलर पैनल हो गया, पॉली किसान मॉड्यूल हो गया और हमारा मोनो किसान मॉड्यूल हो गया। तो यहां पर जो मैं कंसीडर करने वाला हूं वो है 445 वॉट का हाफ कट सोलर पैनल। ओके, इसके अंदर क्या है कि एफिशिएंसी ज़्यादा रहता है, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और इससे जो है करंट का जनरेशन ज़्यादा होता है। ओके, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर 445 वॉट का हाफ कट सोलर पैनल मैं कंसीडर कर रहा हूँ। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है, आपके पास जो है 150 AH का दो बैटरी होना चाहिए और 1 kW का एक सोलर इन्वर्टर आपके पास होना चाहिए। पूरा सेटअप कंप्लीट होने के बाद आप एक सोलर पैनल से जो है दिन में कितना घर का लोड चला सकते हैं और नाइट में जो है घर का लोड कितना चला सकते हैं। मैं दिन के लिए अलग और नाइट के लिए अलग मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दिन में बहुत सारे लोग जो है लाइट का यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर जो है टीवी और फैंस का उपयोग किया जाता है। ओके, और हमें यहां पर दिन में जो है दो बैटरी भी मुझे चार्ज करना है 445 वॉट के एक सोलर पैनल से। इसलिए यहां पर जो है दिन में ज्यादा लोड मैं नहीं दे पाऊंगा और नाइट में जो है ज्यादा लोड हम लोग उपयोग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि दिन में हम लोग क्या क्या चला सकते हैं। तो यहां पर जो है 445 वॉट के सोलर पैनल से आप दिन भर में दो बैटरी जो है फुल चार्ज कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप दिन भर में, मान लीजिए आपके घर में अगर अंधेरा रहता है, लाइट का मतलब प्रॉब्लम है, तो वहां पर जो है कम से कम आप 5 से 10 LED बल्ब जो है आप आराम से चला सकते हैं। उसका तीसरा पॉइंट आता है हमारा फैन का, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम आप दो फैन जो है चला सकते हैं 50 वॉट्स का। उसका नेक्स्ट पॉइंट है एक हमारा टीवी, जो एक टीवी जो है आप आराम से दिन भर चला सकते हैं, मतलब दिन भर में जो है आप इतना इक्विपमेंट आप आराम से चला सकते हैं एक सोलर पैनल से। अब हम बात करते हैं कि नाइट में क्या क्या चला सकते हैं। नाइट में जनरली मतलब ज़्यादातर फैन भी यूज होता है, लाइट भी यूज होता है, टीवी भी यूज होता है। और यहाँ पर जो मैं हेवी इक्विपमेंट्स की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक सोलर पैनल से जो है ज़्यादा आप हेवी इक्विपमेंट्स नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उस पर लोड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी हेवी इक्विपमेंट जो है मैं कंसीडर नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ पर मैं कंसीडर करने वाला हूँ लाइट, फैन और टीवी, क्योंकि एक घर के लिए और एक सोलर पैनल से जो है आप इतना चीज़ आराम से चला सकते हैं। तो नाइट में कितना बल्ब जलेगा, नाइट में जो है अगर आपका बैटरी फुल चार्ज हो गया है तो नाइट में जो है आप कम से कम 10 से 15 LED बल्ब जो है 9 वॉट्स का आप आराम से चला सकते हैं। उसके बाद 5 से लेकर के 6 फैन जो है 50 वॉट्स का वो आराम से रन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे टीवी के बारे में, तो कम से कम जो है 2 TV आप आराम से चला सकते हैं अगर 100 वॉट्स का है तब। उसके बाद मोबाइल चार्जर हो गया, लैपटॉप चार्जर हो गया, गुड नाइट प्लग हो गया, ये सारा चीज़ जो है एक सोलर पैनल से आप आराम से चला सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कॉमेंट्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।